हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीएम नॉलेज। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीएन वीडियो एडिटर ऐप कैसे यूज करते हैं। इस ऐप का इस्तेमाल करके आप अपनी वीडियो को प्रोफेशनल तरीके से एडिट कर सकते हो। यहां पर आपको एडवांस टूल्स मिल जाते हैं जिन्हें आप अपनी वीडियो पर अप्लाई कर सकते हो, एंड इस ऐप के बारे में आपको पूरी डिटेल आज मिल जाएगी। हर एक फीचर के बारे में आपको जानकारी दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इस ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर के सर्च बार में आपको टाइप करना है वीएन वीडियो एडिटर। आपके सामने सबसे ऊपर यह ऐप आएगी, इसका आइकन आप देख लीजिए। आपको यही ऐप इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप ऐप को ओपन कर लीजिए। ऐप ओपन करने के बाद आपसे परमिशन मांगेगा, तो आप परमिशन को अलाउ कर दीजिएगा। परमिशन अलाउ करने के बाद इस तरीके से मेन इंटरफेस ऐप का ओपन हो जाएगा। इस ऐप के अंदर आपको एक डिस्कवर का फीचर मिलता है कॉर्नर में, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो जिन्होंने भी अपनी वीडियो यहाँ पर अपलोड की है उन सभी की वीडियो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। आप चाहे तो आप भी यहाँ पर वीडियो को अपलोड कर सकते हो और लाइक वगैरह कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप वीडियो अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको साइन इन करना जरूरी है। ऊपर आपको साइन इन का बटन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करिए और साइन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप फेसबुक गूगल किसी से भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप इजीली यहाँ पर वीडियो वगैरह अपलोड कर सकते हो। बट मुझे यहाँ पर केवल वीडियो को एडिट करना है, तो मैं आपको वीडियो एडिट करना सिखाता हूं। यहां पर देखिए जो बीच में प्लस का आइकन है, आपको प्लस पर क्लिक करना है। यहां पर आपको न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर आपको अपनी वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है। वो वीडियो सेलेक्ट करिए जिस वीडियो को आपको एडिट करना है। तो मैं यहां से यह वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूं। आप चाहे तो प्ले करके देख सकते हो वीडियो को। उसके बाद अप्लाई पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो वीडियो इस तरीके से यहां पर टाइमलाइन पर लोड होकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है रेशियो चेंज करने का। अगर आप अपनी वीडियो का रेशियो चेंज करना चाहते हो तो ऊपर आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख जाता है। यहाँ पर आप क्लिक करके वीडियो को फुल स्क्रीन में या फिर हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको लगभग सभी रेशियो मिल जाते हैं, तो किसी भी रेशियो में आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल है मैं वही रहने देता हूँ। यहाँ पर देखिए नीचे की साइड आपको पहला ऑप्शन टेम्पलेट नाम से मिलेगा। यहाँ पर देखिए इस ऐप के अंदर ढेर सारे आपको टेम्पलेट देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप टेम्पलेट पर क्लिक करोगे सभी टेम्पलेट आपके सामने ओपन होकर आ जाएंगे। अब किसी भी टेम्पलेट को आप प्ले करोगे तो इस तरीके से आपको उस टेम्पलेट के अंदर एक इफेक्ट लगा हुआ मिल जाएगा। अगर आप उसे अपनी वीडियो पर अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे आसान तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए इस टेम्पलेट में ढेर सारे इफेक्ट अप्लाई हुए हैं। अगर आप इन्हें अपनी वीडियो पर अप्लाई करना चाहते हो तो नीचे आपको डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करिए। डाउनलोड पर क्लिक करते ही ये इफेक्ट डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद नीचे आपको यूज टेम्पलेट लिखा मिलेगा, इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ये जो इफेक्ट है वो आपकी वीडियो पर अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस इफेक्ट में आपको 34 फ्रेम देखने को मिल जाते हैं। तो फर्स्ट फ्रेम ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया है। अब सेकंड फ्रेम आपको सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर आप क्लिक करिए सेकंड फ्रेम पर। और उसके बाद अगर आप इसी वीडियो में से सेकंड फ्रेम सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को सेलेक्ट कर लीजिए, तो इसी वीडियो के अंदर से सेकंड फ्रेम सेलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर आप इसे ट्रिम करना चाहते हो या फिर कोई अदर पार्ट यहाँ पर यूज करना चाहते हो वीडियो का, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो वो जो सेकंड फ्रेम है वो इस तरीके से लोड होकर आ जाएगा। अब नीचे आप इसे इस तरीके से मूव कर सकते हो अपनी वीडियो को। थोड़ा आगे का पार्ट अगर आप सेकंड पार्ट में रखना चाहते हो तो आप इस तरीके से अपने फिंगर से वीडियो को मूव कर सकते हो, तो जो आगे का पार्ट है वो यहाँ पर सेकंड फ्रेम में आ जाएगा। अब आपको ऊपर डन पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करते ही जो भी आपने चेंजेस किया है वो सब यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर जितने भी बचे हुए फ्रेम है सभी फ्रेम में आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप टेंशन ना लीजिए, आप जब खुद से ट्राई करोगे तो आपको इजिली समझ आ जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी फ्रेम में वीडियो को सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही ये सभी इफेक्ट आपकी वीडियो पर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए जितने भी इफेक्ट हैं वो सभी वीडियो पर अप्लाई हो चुके हैं। आप इसे इजीली यहाँ से प्ले करके देख सकते हो, बिल्कुल प्रोफेशनल दिखेगा आपको। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया टेम्पलेट को यूज करने का तरीका। अब मैं आपको जितने भी और ऑप्शन बचे हुए हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है फिल्टर वाला ऑप्शन है। इसका यूज करके आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हो अपनी वीडियो पर। कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको फिल्टर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एडजस्ट नाम से ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसका यूज करके आप ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट बड़ा घटा सकते हो और सेचुरेशन भी ऐड कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको स्पीड कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर कर्व वाले में जाकर भी आप स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप इसे ऊपर रखोगे तो स्पीड बढ़ेगी, अगर आप इसे नीचे रखोगे तो स्पीड घटेगी। अगर आपको ये मीटर समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पर रेगुलर का भी ऑप्शन है, तो रेगुलर का यूज करके यहाँ पर आप डायरेक्ट स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप स्पीड को बढ़ाना चाहते हो तो आपको राइट साइड की तरफ स्क्रॉल करना है, तो आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर आप प्रीव्यू भी देख सकते हो। अगर आप स्पीड को कम करना चाहते हो तो आपको
लेफ्ट साइड की तरफ स्क्रॉल करते चले जाना है तो जो आपकी स्पीड है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही आपका चेंज कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद नीचे आपको इस तरीके का एक आइकन दिखेगा सेव करने वाला, आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो जो भी आपने चेंजेस किया है वो सब कुछ यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप अपनी वीडियो को स्प्लिट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाता है नीचे, स्प्लिट पर क्लिक करते ही जो आपका वीडियो है वो स्प्लिट हो जाएगा। जहाँ से भी आप स्प्लिट करना चाहते हो आप वहाँ से स्प्लिट कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगर आप ट्रिम करना चाहते हो तो ट्रिम करने का भी बटन यहाँ पर साइड में बना हुआ है, तो ट्रिम पर क्लिक करके आप वीडियो को ट्रिम कर सकते हो। यहाँ पर जो भी आप पार्ट एक्स्ट्रा रखना चाहते हो उसे आप बाहर कर दीजिए इस फ्रेम से, जो भी फ्रेम से बाहर होगा वो सब कुछ यहाँ पर ट्रिम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इतना फ्रेम के अंदर है तो यही इतना पार्ट जो है वो सेलेक्ट होगा, बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो यहाँ से ट्रिम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करते ही देख सकते हो आप जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो ट्रिम हो चुका है। तो इस तरीके से आप खुद यूज़ करके देखोगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा, इस तरीके से आप इजीली यहाँ पर ट्रिम कर सकते हो। ट्रिम के साइड में आपको इफेक्ट्स नाम से ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर इफेक्ट है यह, तो इफेक्ट्स पर क्लिक करते ही आपके सामने ढेर सारे इफेक्ट ओपन होकर आ जाएंगे। जहाँ भी आप इस इफेक्ट को अप्लाई करना चाहते हो वहाँ पर आप वीडियो को रोक दीजिए, उसके बाद आपको इफेक्ट्स पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जो भी इफेक्ट यहाँ पर दिख रहे हैं आप किसी भी इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हो। आप लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको सभी इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से मैं यह इफेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करते ही यहाँ पर देखिए इफेक्ट अप्लाई हो चुका है यहाँ पर, जहाँ पर मैंने वीडियो को रोक कर रखा था। आप चाहे तो इसे मूव भी कर सकते हो इस तरीके से लेफ्ट और राइट की साइड, तो जहाँ भी आप इसे रखना चाहते हो आप इजीली इस तरीके से इफेक्ट को रख सकते हो और अपनी वीडियो पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद नीचे आपको स्टिक मार्क पर क्लिक करना होता है करेक्ट वाले, तो ये अप्लाई हो जाएगा। आप इसे आप प्ले करके देख सकते हो, इफेक्ट यहाँ पर देखिए अप्लाई हो चुका है। दोबारा इफेक्ट अप्लाई करने के लिए सेम प्रोसेस है, तो आप इस तरीके से कई बार इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हो। अब अगर आप किसी वीडियो को डिलीट करना चाहते हो तो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करते ही वो पार्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। किसी वीडियो का अगर आप वॉल्यूम कम करना चाहते हो या फिर ज़्यादा करना चाहते हो तो वॉल्यूम का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप वॉल्यूम की लिमिट सेट कर सकते हो। अगर आप म्यूट करना चाहते हो तो 0% कर दीजिए, अगर आप फुल करना चाहते हो तो आप 100 रहने दीजिए। यहाँ पर आप बैकग्राउंड म्यूजिक का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो यहाँ से आप बैकग्राउंड म्यूजिक भी सेट कर सकते हो और उसकी भी वॉइस यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा, अगर यहाँ पर आप बैकग्राउंड यूज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप बैकग्राउंड भी यूज कर सकते हो, सभी कलर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो किसी भी कलर का यहाँ पर आप बैकग्राउंड ईजिली सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये था बैकग्राउंड का प्रोसेस। अब अगर आप अपनी वीडियो को क्रॉप करना चाहते हो तो क्रॉप का बटन आपको मिलता है, यहाँ से आप इजीली अपने वीडियो को क्रॉप कर सकते हो, जूम करके भी क्रॉप कर सकते हो और यहाँ पर आप इस तरीके से मूव करके भी वीडियो को क्रॉप कर सकते हो। रेशियो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो वीडियो का, और रोटेट भी वीडियो को ईजिली कर सकते हो, मिरर कर सकते हो आप वीडियो का मिरर यूज करके, और फ्लिप कर सकते हो अगर आप अपनी वीडियो को फ्लिप करना चाहते हो। तो अगर आप फ्रीज करना चाहते हो तो जहाँ पर आप रोके हो वहीं से वीडियो कट हो जाएगा और वहीं का पार्ट जो है वो फ्रीज होकर एक लेयर बन जाएगी। तो यहाँ पर हम फ्रिज पर क्लिक करके आपको दिखा देते हैं, देखिए वही एक लेयर दूसरी जनरेट हो चुकी है, बट ये फोटो के फॉर्मेट में जनरेट हुई है, यहाँ पर देखिए ये मूव नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप फ्रिज पर क्लिक करके फ्रिज कर सकते हो उस पार्ट को और यूज कर सकते हो अपनी वीडियो में। उसके अलावा यहाँ पर देखिए आपको जूम का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अपने वीडियो को जूम कर सकते हो। अगर आप अपनी वीडियो को रिवर्स करना चाहते हो तो रिवर्स भी कर सकते हो, यहाँ पर रिवर्स पर आपको क्लिक करना होगा। इस तरीके से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, कंप्लीट होते ही जो आपका वीडियो है वो टोटली रिवर्स हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर म्यूज़िक ऐड करना चाहते हो तो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पर ऊपर, टैप टू ऐड म्यूज़िक, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखिए आप वॉइस ओवर भी कर सकते हो, साउंड इफेक्ट भी यूज कर सकते हो और बैकग्राउंड म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हो। तो म्यूज़िक पर आपको क्लिक करना है, फाइल मैनेजर के जितने भी गाने हैं वो सभी गाने यहाँ पर आपको शो कर जाएंगे। तो यहाँ से जो भी आप गाना यूज करना चाहते हो आप उसे चूज कर लीजिए, चूज पर क्लिक करते ही वो गाना सेलेक्ट हो जाएगा, आप उसे ट्रिम भी कर सकते हो और उसका वॉल्यूम भी कम ज़्यादा कर सकते हो। नीचे आपको करेक्ट का टिक मार्क दिखेगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे वो जो गाना है वो ऐड हो जाएगा बैकग्राउंड म्यूजिक के रूप में। अब यहाँ पर अगर आप कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो तो दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा टैप टू ऐड सबटाइटल का, इस पर क्लिक करके आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हो। कुछ फॉर्मेट भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, तो किसी भी फॉर्मेट में आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप फिर से टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो, यहाँ पर आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, कलर आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पर मैं रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट में स्ट्रोक भी ऐड कर सकते हो, किसी भी कलर का स्ट्रोक आप सेलेक्ट कर सकते हो ईजिली, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ही आपका टेक्स्ट रेडी हो जाए उसके बाद आपको करेक्ट वाले टिक मार्क पर क्लिक कर देना है, तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको की फ्रेम का भी ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप वीडियो एडिट करते हो तो आपको पता होगा की फ्रेम क्या होता है,
तो आप की फ्रेम का भी यूज कर सकते हो। अब अगर आप इसी वीडियो के ऊपर कोई वीडियो या फिर फोटो रखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको टैप टू ऐड स्टिकर पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखिए वीडियो एंड फोटो का भी ऑप्शन है, स्टिकर का भी ऑप्शन है। तो अगर आप स्टिकर अप्लाई करना चाहते हो वीडियो पर तो स्टिकर वाले ऑप्शन में जाकर आप स्टिकर ऐड कर सकते हो, या फिर अगर आप इसी वीडियो के ऊपर कोई फोटो या फिर कोई अदर वीडियो अप्लाई करना चाहते हो तो आप उसे भी इजीली यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एक वीडियो को सेलेक्ट कर लिया है। अब आप देख सकते हो ये वीडियो इसी वीडियो के ऊपर आ चुका है। यहाँ पर जैसे आप कोई वीडियो लेयर ऐड करोगे, यानी कि वीडियो के ऊपर कोई वीडियो ऐड करोगे, तो यहाँ पर आपको नीचे और भी एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको क्रोमा की भी मिल जाता है। तो अगर आपने वीडियो ग्रीन स्क्रीन पर शूट की है तो आप उसका बैकग्राउंड भी इजीली क्रोमा की का यूज़ करके रिमूव कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको और एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाते हैं ब्लेंडिंग का। तो अगर आप ब्लेंड करना चाहते हो वीडियो को तो इस तरीके से आप वीडियो को ब्लेंड भी इजीली कर पाओगे। मास्किंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो काफ़ी यूजफुल फीचर यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, तो आप इनका यूज़ करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए एप्लीकेशन आपको कैसा लगा। आप जब तक खुद नहीं ट्राई करोगे तब तक आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। जो भी बेसिक डिटेल थी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब अगर आप इसे सेव करना चाहते हो तो ऊपर आपको एक्सपोर्ट का बटन मिल जाएगा। एक्सपोर्ट पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप वीडियो का रिजोल्यूशन सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद फ्रेम रेट भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। बिट रेट भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। उसके बाद नीचे आपको करेक्ट का टिक मार्क दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद नीचे आप देख सकते हो जो एक्सपोर्टिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही एक्सपोर्टिंग कंप्लीट होगी ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो भी डिटेल थी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई अगर सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। मैं बोलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।